साथियों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम कार्यालय खंड विकास अधिकारी ठेकमा आजमगढ़ में खड़े हैं और हमारे सामने डीडीओ की गाड़ी खड़ी है और अंदर डीडीओ संजय कुमार सिंह साहब बैठे हैं। बक्सपुर के अंदर कुछ ऐसे मसले थे कि जहां पर प्रधान नाबालिग बच्चों से मनरेगा का काम करवा रहे थे और सरकार से पैसा भी उठा रहे थे, जीसीबी से भी काम करवा कर मनरेगा का पैसा उठा रहे हैं और नाबालिग बच्चों से भी काम करवा के मनरेगा का पैसा उठवा रहे हैं। अब हम चलते हैं वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हमने डीडीओ सर से बात की थी लेकिन उन्होंने कहा कि हम बाइट नहीं दे सकते, बाइट देने का अधिकार सिर्फ जिला अधिकारी महोदय को है और कप्तान को है। तो जैसा अभी इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हम विकास खंड ठेकमा में खड़े थे और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जो डीडीओ आए थे संजय कुमार सिंह साहब, उनसे हमारी वार्तालाप हुई थी। अब हम बक्सपुर के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सलाहुद्दीन भाई से। सलाहुद्दीन भाई, आज जो आए थे, इंक्वायरी आई थी, तो उसमें क्या तत्व निकला? उसमें तत्व क्या निकला, वही जो है बयान जो है उसमें जो है वो लोग जो जीसीपी का और दिए और जो है उसको जो है हाथ का भी बयान दिए कि दोनों तरफ से खुदाई हुई है, और जबकि दरअसल बात ये है कि वो जीसीपी से भट्ठे पे माटी गई है और घर में माटी गई है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो सत्य है वही हो, वो सामने आए, वो सामने आए। आपका नाम? बस हमारा नाम दिलशाद अहमद है। आप क्या कहेंगे? बस वही जो सच्चाई है वही सच पे आना चाहिए, बस सब इसी लिए। कंप्लेंटर इसमें आप थे, बराबर। तो आपसे जब संजय कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा रेडियो सामने? तो वो ये कहा कि मतलब जो भी होगा निष्पक्ष होगा, आपकी कार्रवाई हम करेंगे, जो भी होगा साफ करेंगे। आपको उनकी जांच पे जी भरोसा है? जांच पे भरोसा है, भरोसा है जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप तो कोटेदार हैं जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो सच्चाई वो सामने आवे। तो प्रधान भी तो यहाँ पर मौजूद है। कोई बात नहीं, हम डरते थोड़े। क्या कभी आपको डराया है उन्होंने? हाँ डराया है, हम डरते डरने वाले थोड़ी। क्या किस तरीके से डराया? अरे मेरे कोटे पर दरखास्त भी दिया था। क्या बोल कि जो है तुम गल्ला कम देते हो या देते हो, बैठ के बटवाया 3 मरतबा। उसकी जांच आई थी? हाँ उसकी जांच आई, निष्पक्ष जांच हुई। निष्पक्ष जांच में क्या लिखा? कुछ नहीं निकला, हम सही थे। आप सही थे? हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे डीडीओ साहब आए थे और अधिकारी आए थे, मौके पे गए थे, वो देखे थे, अब वो कह रहे हैं कि उसकी जांच होगी, जो गलत होगा वो सामने आएगा, बराबर, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, तो आपको क्या लगता है? सही है, जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको उनकी जांच पे भरोसा है? हाँ एकदम भरोसा है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम। चलिए ठीक है। तो ये देखा आपने, हमारे साथ में ये बक्सपुर के ग्रामीण थे और यहाँ पर जैसे अभी ये लोग आए हैं और जो डीडीओ साहब थे संजय कुमार सिंह जी, उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच गोपनीय होती है तो सत्य सामने आएगा। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख प्रहारी, मुंबई से।